जब सुना कि हूर को मामू जान के घर मुलाज़मा रख लिया गया है तो मैं हैरान रह गई जानती थी कि मुमानी बदसूरत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती लेकिन मामू वो तो उफ़ इंतहा दर्जे के हुसन प्रज थे किसी ऐसी शय पर नज़र पड़ जाती जो इनके मिजाज से लगा ना खाती तो इनकी तबीयत मतलाने लगती थी हूर पहले हमारे मुलाजिम की बेटी थी उन्होंने होर संभाला तो अम्मा एक बार अपने साथ बड़े भाई के घर ले गईं जो डिप्टी साहब थे यूं पहली बार वो डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंची मुमानी को बुखार था वो आंखें बंद किए पड़ी थीं अम्मा ने कहा ज़रा भाभी जान का सर दबा दो हूर मैं भाई जान को सलाम करके अभी आई हूर उस वक्त सात बरस की थी वो मुमानी की पैंती बैठ बैठकर पूरी लगन से इनकी टांगे दबाने लगी जिनमें अक्सर दर्द की वो शिकायत करती थीं और आज तो वो बुखार से भी निढ़ाल थीं खुदा जाने हूर के हाथों में क्या जादू था कि इसने थोड़ी देर इनकी टांगे दबाई तो मुमानी की टांगों का ही नहीं सारे बदन का दर्द भी जाता रहा वो बहुत खुश हुई आंखें खोले बगैर कहा बच्ची आज आपा जी के साथ इनके घर वापस मत जाना जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहो ऐसा अच्छा दबाती हो कि बुखार तक उतर जाए तेरे हाथों में शफा है लड़की अम्मा ने कहा भाभी बेशक आप हूर को तमाम उम्र के लिए रख लें मुझे कोई एतराज़ नहीं बस तब से हूर के घर रहने लगी वो किसी भी घर रहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इसका बाप तो चल बसा था मेरी अम्मा ने इसको अपने पुराने और वफादार मुलाजिम की अमानत समझ कर रखा हुआ था इनकी भाभी ने मांगा तो बिला तामिल इन्हें बख्श बख्शाएं हूर का दबाना इनको ऐसा भाया कि यूं कहना चाहिए कि बीमार को इतना सुकून मिला कि उन्होंने इसकी सूरत शक्ल की तरफ से आंखें बंद कर लीं सभी हैरान थे इन बेगम को तो बदसूरत चेहरे नहीं भाते थे इनको वो अलम गलम सूरतों वाली ही कहा करती थीं उन्होंने हूर को कैसे रख लिया इसके बाद तो हूर इस घर के हर फर्द की ऐसी हर दिल अजीज हो गई कि सब ने इसको दिल से कबूल कर लिया दरअसल आदमी सूरत से नहीं अपने गुणों से जाना जाता है इस लड़की ने इस घर में हर किसी की चाकरी करके साबित कर दिया कि जब भी काम करती पूरी लगन और तवज्जा से इस कदर सलीके के साथ के काम बताने वाले का दिल शाद हो जाता अलबत्त इसकी सूरत शक्ल सबकी आंखों में खटकती थी तभी तो इसका नाम हूर से बदल कर छोकरी रख दिया गया था डिप्टी मामू के घर वाले इसे छोकरी कह के बुलाते थे इसका असल नाम लेना इस नाम की तोहन समझते थे बदकिस्मती के साथ साथ बदसूरती का दाग भी इसकी हस्ती पर लगा हुआ था हूर की बदसूरती कोई ऐसी वैसी ना थी जब कभी बेख्याली में आईना देख लेती थी तो खुद भी अपने अक्स से डर जाती थी जाने कौन सी भयानक साथ में इसने अपनी माँ की कोख में करार पाया था कि सारे जहान की बदसूरती इस पर ख़त्म थी इस जालिम दुनिया में जैसी सूरत हो सलूक भी वैसा ही होता है बचपन से तीखी निगाहों और तोबा तोबा कहने वालों ने इसका कलेजा छलनी कर डाला था इसका बस नहीं चलता था कि अपनी पैदाइश के दिन ही जन्म देने वाली के साथ इस जहान से दफान हो जाती इस रोज डिप्टी मामू की लड़की के लिए लोग रिश्ता देखने को आए हुए थे बेगम साहिबा ने कह दिया था कि देख छोकरी तू मेहमानों की तरफ ये भूतनी शक्ल लेकर मत आ जायो वरना वो तेरी सूरत देखकर उठकर चले जाएंगे हमारे घर से कि इनके मुलाजिम ऐसे बद शक्ल है तो मालको का जौक कैसा होगा बेचारी गर्दन हिलाकर एक कोने में दबक गई जाने फिर क्या इसके जी में आया कि हुना बीबी के होने वाले धूले को देखने के शौक में वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने खड़ी हुई जहाँ से मेहमान नजर आ रहे थे लड़का बड़ा खूबसूरत था मगर जो इसका बड़ा भाई था वो तो बस यूसुफ सानी था वो अपनी सूरत भूल कर एक टिक इसी को देखने लगी कि इलाही कहा तूने मुझ जैसी बदसूरत को बनाया और कहा ऐसे हसीन चांद से मुखड़े भी तकलीफ किए हैं एक जरा सा गोरा रंग मुझे भी दे देता तेरे जहान में क्या कमी थी दरवाजे के एक कोने से इसको यूं अपनी तरफ झांकते पाकर खुरम साहब बोले लड़की ऐसे क्या झांक रही हो जाओ चाय लेकर आओ तभी बेगम साहिबा को पता चला कि हूर कमरे के दरवाजे पर है उन्होंने जो उधर निकाह डाली ये बेचारी डर कर बवची खाने को भागी तब छोटी बीबी ने चाय की ट्रे इसको थमा दी जाकर मेहमानों के सामने रखो वो बेचारी नाचार से ट्रे वापस उठाकर ले आई बेगम इस दम तो गुस्सा पी गई इस घड़ी का यही तकाजा था दिल में गुस्सा खोलने लगा के बावजूद मना करने के ये छोकरी इधर को झांकने से बाज नहीं आई और अपनी मनहूस सूरत इनको दिखा ही दी फिर हुक्म दिया गया कि ट्रे रखो और चाय मेहमानों को दो वो सलीके से हर किसी को चाय की प्याली थमाने लगी लेकिन जब प्याली खुरम को दी इनके रोब हुसन से हाथ लड़सा ऊपर से बेगम साहिबा ने जो घूरा तो प्याली खुरम साहब के ऊपर ही गिर पड़ी गरम चाय इन से इनकी टांग चल गई बेगम साहिबा जो बहुत जब से काम ले रही थी उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा ज्योति उतार कर हूर को पीटना शुरू कर दिया साथ ही इनके मुँह से ये अल्फाज बे इख्तियार लबों तक आ गए अंधी बदसूरत चुड़ैल चल निकल यहाँ से खुरम साहब ने बिल आखिर इनका हाथ पकड़ लिया बोले आंटी क्या गज़ब करती हैं ये बदसूरत है तो क्या है है तो इंसान बदसूरती की इतनी बड़ी सजा इसने प्याली मुझ पर जानकर तो नहीं गिराई जाने दीजिए बेचारी होर कमरे से रोती निकल गई सबके सामने इस कदर तजलील पर इसको दिली सदमा हुआ सोचने लगी अल्लाह मैं मर क्यों नहीं गई इसने अपनी कोठरी में जाकर रो रोकर मौत की दुआ मांगी थी मांगी तो मौत की दुआ थी मगर लगी जिंदगी बनकर दूसरे दिन खुरम साहब ने कह दिया मैं शादी करूंगा तो इस भूतनी चुड़ैल से वरना किसी से नहीं वो लंदन पलट थे सुना था कि शादी इसलिए नहीं करते थे कि इनको इनकी पसंद की लड़की नहीं मिलती थी हुसन हो तो हुसन से चार चांद लगते हैं इनकी वालदा कहती थी फिर ये तो थे ही बहुत नाजुक मिजाज माँ ने एक से एक हसीन लड़की बतलाई इनके जी को किसी की सूरत ना भाई और जो भाई भी तो कौन ऐसी काली भद्दी ने कोश वाली जिसने सुना दांतों में उंगलियां दाब खुरम की दम और मुमानी बेगम वो तो बहुत बनाई कि इतने बड़े बाप का बेटा जिसकी दौलत का हिसाब ने वो भी यूसफ सानी जैसा और हमारे घर की नौकरानी ऐसी दबती शक्ल वाली हर किस नहीं मगर बाद में सब ने समझाया कि तुम्हारा क्या जाता है खुद डिप्टी मामू ने अपनी जोजा मोहतरमा को कहा आलम जान जब इनके छोटे लड़के का रिश्ता तुम्हारी लड़की से हो रहा है तो इन लोगों को नाराज करके अपनी बेटी की नसीब को क्यों ठोकर मार रही हो है तो मुश्किल बात मगर नामुमकिन नहीं अहमर की शर्त यही है कि वो हमारी लड़की से तभी शादी कबूल करेगा जब इसके बड़े भाई खुरम की मंशा पूरी होगी तो हमें इन्हें छोकरी का रिश्ता देने में क्या मसला है हर किसी की अपनी किस्मत और अपनी नसीब होते हैं खुदा ने इस गरीब लड़की की किस्मत ऐसी ही बनाई होगी तो हम और तुम इसकी तकदीर को बिगाड़ने वाले कौन और हमारी ऐसी क्या ज़रूरत कि अल्लाह की मंशा में दखल दें हम इसके आजिज़ बंदे हमको आजसी में ही रहना चाहिए अल्लाह के डर से मुमानी बेगम को नरम तो कर दिया और यूं एक बदकिस्मत बदकिस्मत ना रही बल्कि वही बदशक्ल जिसकी सूरत देखने को किसी का जी नहीं चाहता था इज्जत के साथ इसको हमारे डिप्टी मामू की ने गहनों से लाद कर इसके सर पर हाथ रख कर रखसत किया वो छोकरी जो कल तक इनकी चाकरी करती ना थकती थी शादी के बाद इसके सामने कई नौकर चाकर थे वो हर किसी के अच्छे पहनावे को हसत भरी निगाहों से देखने वाली अच्छे लिबास में सोने से पीली दौलत में खेल रही थी खुरम साहब ने एक शानदार कोठी इसके नाम लिख दी और सबसे बढ़कर इसको इतना चाहते थे कि ख़ानदान वाले फटी फटी आंखों से हूर को देखते ही रह जाते थे सच कहा है किसी ने जब अभागों के भाग खुलते हैं तो ऐसे जैसे हूर के खुले अल्लाह जाने इस लड़की ने किस लम्हे कि अपने दिल से अपने लिए ऐसे अच्छे दिनों की दुआ की थी कि वो दुआ कबूलियत के लिए अर्श तक पहुंच गई थी और बार गाह इलाई में दुआ कबूल भी हो गई इसलिए कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपने रब की फ्याजी और रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए जिस लड़की को हर कोई बदसूरती के सबब हकीर जानता था इसको एक रईस ने दिल की आँख से देखा और पसंद कर लिया वो बता रही थी मोहब्बत की शादी थी हम सफर कज़न था मोहब्बत बेपन थी लेकिन मुझ में गरूर बहुत था मैं किसी से लगा कर नहीं रखती थी मैं चाहती थी मैं घर में हुक्मरानी करूं मेरा शोहर असद मुझे बेपन मोहब्बत करता था वो मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता था मेरी खाला जो मेरी सास थीं वो मुझे एक दिन समझाने लगी देख सोनिया ये घर तुम्हारा है तुम इस घर की मालकिन हो फिर क्यों सबके साथ ऐसा सलूक करती हो मैं गु़स्से से बोली खाला देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं और असद जो मर्जी करें जहाँ मर्जी जाएं आपको हमारे मामलों में बोलने की इजाज़त नहीं है खला खामोश हो गई मैं सबके साथ बदतमीजी से पेश आती थी मुझे अपने और असद के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था असद मुझे कभी कभी समझाता था सोनिया तुमको क्या हो गया है तुम्हारे लहजे में इस कदर नफरत क्यों होती है मैं असद को अपनी मीठी बातों में उलझा देती मैं इस कदर मतलबी थी कि, कि किसी की कभी परवाह ही नहीं की ख़ाला से बात करना छोड़ दी खाला ने भी मुझे समझाना मुझे कुछ कहना छोड़ दिया मैं कभी शॉपिंग पे जा रही होती और कभी डिनर पर मैं याशी करने लगी असद मेरे पाँव चुमा करता था वो मुझे अपनी मोहब्बत नहीं अपनी रूह कहता था हमारी शादी को चार साल हो गए थे लेकिन हमारी कोई औलाद ना हुई दिन गुजरने लगे मैं परेशान सी रहने लगी असद मुझे औलाद का कहता अब मेरे बस में क्या था सात साल गुजर गए मैं हिम्मत हारने लगी मुझे लगने लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है न जाने क्यों असद की मोहब्बत भी कम होने लगी थी रफ्ता रफ्ता मेरा गरूर मेरी अयाशियाँ कम होने लगीं असद कुछ उलझा उलझा सा रहने लगा मुझसे मैं तनहा छुप कर बहुत रोती थी ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा एक दिन मैंने देखा मेरी मोहब्बत मेरा असद मेरा हम सफ़र मेरी दुनिया वो फ़ोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था मेरी आंखों से आंसू का समंदर उमड़ आया वो लम्हा याद आया जब असद मेरे पाँव चूम लेता था और आज असद की बातें और मोहब्बत महदूद होकर रह गई थी मेरे अंदर का दिया बुझने लगा था मैंने अपना बहुत इलाज करवाया लेकिन शायद मेरी मंजिल तारीख थी मैं अंधेरों में डूबने वाली थी फिर एक दिन असद मेरे पास बैठा था मेरे सामने मोबाइल किया एक लड़की की तस्वीर दिखाई सोनिया कैसी है ये मेरे हलक से आंसू उतरने लगे मैं आता से बोली बहुत प्यारी है असद मुस्कुराया मैं इसे बहुत जल्द निकाह कर रहा हूँ बारह साल हो गए हैं हमारी शादी को मैं अब और वक्त ज़ाया नहीं कर सकता मेरे सामने बैठा वो इस लड़की से मोहब्बत भरी बातें करने लगा मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा काट दिया हो मेरी सांस रुकने लगी मैंने ख़ुद को संभाला कमरे से बाहर आ गई खाला जिनसे मैं बात करना गवारा ना करती थी मैंने खाला की जानब देखा खाला मेरी सुर्ख आंखों में देख कर बोलीं क्या हुआ अल्लाह खैर करे मैं खाला के पैरों में गिर गई खाला खाला वो असद खाला ने मुझे संभाला क्या हुआ असद को मेरी हिचकी बंद गई खाला वो दूसरी शादी कर रहा है खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा तो परेशान ना हो मैं करती हूँ इससे बात खाला ने मेरी वजह से इस रात असद से बहुत झगड़ा किया मुझे पहली बार अपनी ज़ात से नफरत हो गई मैं कितनी खुदकर्ज थी रिश्तों को पैरों तले रोन दिया था मैंने मैं खाला के पास कई हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगी खाला ने माथे पर बोसा किया तो परेशान ना हो मेरी बच्ची लेकिन असद बाद था दूसरी शादी करने पे वो रात में मुझे बता रहा था परसों निकाह है इसका मैं खामोश थी मैं कैसे रोकती अपने असद को मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी मैं तड़प रही थी मैं सारी रात करवट बदलती रोती रही अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मैं जानती हूँ मैंने बहुत से दिल तोड़े हैं मैंने अपनों को बहुत तकलीफ़ दी थी सुबह मेरी तबीयत कुछ अजीब सी थी फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा मेरे आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई मैं बहुत खुश थी असद घर आया असद कल निकाह करने जा रहा था जब मेरे पास आया मैंने असद का हाथ थामा और असद को बताया अल्लाह ने हम पर अपना करम कर दिया है असद की आंख से आंसू निकला मुझे सीने से लगा लिया मैं बहुत रुई थी इस दिन क्यों इसद की मोहब्बत में दो साल बाद महसूस कर रही थी मैं असद की बाहों में एक चीज़ सीख गई थी जब हम खुद गर्ज हो जाते हैं जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं नफ़रत की आग जलाते हैं तो दूसरों को दिए हुए आंसू हमारे लिए किसी न किसी सज़ा के तौर पर ज़रूर सामने आते हैं मैंने खाला लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था जिसकी सज़ा मैंने पाई थी अगर आप में से कोई भी किसी मुश्किल में परेशानी में है तो तनहा बैठ सोचें आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू तो नहीं आए अगर ऐसा है तो आगे बढ़कर माफ़ी मांग लें रिश्तों को सीने से लगा लें आपकी मुश्किलात और दर्द खुद मिट जाएंगे